यूपी के महोबा में कई दिनों से अपनी लापरवाही को लेकर सुर्खियों में बने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का आज सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश सीएमओ को दिए गए। साथ ही बीते दिनों अस्पताल में रिश्वत लेकर इलाज किए जाने के मामले में भी कार्रवाई के निर्देश सदर विधायक ने दिए हैं। लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के साथ बरती जा रही लापरवाही और बीमारदारों से वसूली जा रही रिश्वत को लेकर अब सदर विधायक ने सख्ती दिखाई है। लगातार मिल रही शिकायतों को मद्देनजर सदर विधायक राकेश गोस्वामी महोबा जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने जिला अस्पताल में पैसे लेकर खून चढ़ाए जाने के मामले में भी गंभीरता दिखाई, तो वहीं महिला अस्पताल में चींटियों के काटने से एक नवजात की मौत के मामले में भी अपराधियों को फटकारा है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने इस दौरान वहां भर्ती मरीजों और बीमारदारों से बातचीत कर हालचाल जाना, अस्पताल की व्यवस्थाओं को सही रखने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ थी। आज मैंने निरीक्षण किया है दोनों अस्पतालों का, पुरुष का भी और महिला का भी। पुरुष अस्पताल में तो ज्यादा शिकायतें नहीं मिली, ये घटना जो अभी घट गई थी उसकी जांच हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से शिकायत करके उसकी जांच करा दी है और उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो गई। महिला चिकित्सालय की जरूर शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है और जो बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को परेशान करते हैं और पैसों की भी मांग करते हैं। आज मैंने CMS से और CMO के साथ बैठ के बैठक की है और उन लोगों से कह दिया है कि इस तरह की शिकायत दोबारा अगर मिलती है तो किसी तरह क्षम्य नहीं होगी, न इसको किसी तरह से माफ़ किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।